एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आज का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आज का इस डिज़ाइन में आप कुछ भी बना सकते हैं, जैकेट, कार्डिगन, स्वेटर और शॉल, मफलर, कुछ भी बनाए। बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है। अगर आप फुल जैकेट बनाना चाहते हैं तो एक वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके देखें। तरीका वही रखें, डिज़ाइन ये वाला डाल सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले हमें चेन बना लेनी है, उसके बाद तीन चेन छोड़कर चौथी वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर इसके पास वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फर्स्ट रो है, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, पूरी रो डबल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। हम फिर से बता रहे हैं, अगर आप लोग इस डिज़ाइन में जैकेट बनाना चाहते हैं तो या तो मुझे कॉमेंट करके बताएँ, तो एक दो दिन में इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा फुल जैकेट का, या फिर हम एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। तरीका वही रखें, डिज़ाइन ये वाला डाल लें, ठीक है। तो आप देख लें, अगर आपको वैसे समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना कमेंट करके हमें बता दें, हम एक दो दिन में फुल जैकेट का वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो हम ऐसे ही कम्प्लीट करेंगे डबल क्रोशिया से। सेकेंड रो में देखिए क्या करेंगे, इस सेकेंड रो है हमारी, इसमें एक चेन लेकर घुमाएंगे, फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेकेंड वाले में डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो फंदे एक साथ निकालते हैं, उसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। इस पूरी रो को हमें ऐसे ही बनाना है, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो पूरी रो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए एक दो तीन तीन चार चार चेन बना ली, और यहाँ पर हम एक चेन छोड़कर सेकंड वाली चेन में डालेंगे। इसको छोड़ेंगे, इसमें डालेंगे, देखिए एक चेन छोड़ के इसमें डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाले में दो बनाएंगे हम, एक वापस इसी जगह एक और बनाएंगे। तो ये तीन डबल क्रोशिया हमारे पास हो गई हैं, एक दो तीन। एक चेन लेकर इसके पास वाली चेन में दो डबल क्रोशिया, एक और वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, ये दो हो गई। फिर इसके पास वाली चेन में एक बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हमने बना ली। अब एक चेन लेकर तीन चेन छोड़ेंगे, एक दो तीन, तीन चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर दो बनाएंगे हम, एक वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, दो। एक चेन इसमें दो बनाएंगे, दो हो गई। फिर इसके पास वाली में यहाँ पर हम एक बनाएंगे, ठीक है। फिर से एक चेन, इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। फिर से एक चेन लेकर एक दो तीन, तीन चेन छोड़ेंगे चौथी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर दो बनाएंगे, एक वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, ये दो हो गई, ठीक है। फिर से एक चेन, फिर इसके पास वाली चेन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर दो बनाएंगे, ये दो हो गई, और इसमें एक बनाएंगे। तो इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो ये पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये पूरी रो हमारी बन गई है, लास्ट में हमने एक चेन छोड़ के डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चेन बना के, और ये देखिए जो हमने तीन चेन छोड़ी थी बीच में, इसमें बीच वाली चेन में डालेंगे,
इस तरीके से डालना है। देखिए एक दो तीन, ये तीन चेन छोड़िए, बीच वाले में इस तरीके से हम डालेंगे इस तरीके से, और स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस फंदे को इसमें से निकाल लिया, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस चेन बना के, और जो तीन चेन हमने छोड़ी हैं इसमें बीच वाली चेन में डालेंगे इसमें, और इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस चेन बना के एक तीसरी वाली चेन है जो तीन चेन बनाई है बीच वाली चेन में डालेंगे। जैसे हम डाल रहे हैं सेम ऐसे ही आपको बनाना है, इस तरीके से डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है। फिर से दस चेन बनाएंगे, फिर से हम 10 चेन बनाएंगे। इसको ले जाके लास्ट में इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया इसके ऊपर ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब तीन चेन, एक दो तीन चार, चार चेन बना के इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, जो हमने चेन बनाई है ना इसको इस तरीके से पकड़ना है, और इसमें बीच में जो स्पेस दिखेगा तो इसके अंदर पहले तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक दो और ये तीन, एक चेन लेके फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ठीक है, अब फिर से एक चेन लेके अब इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे, चेन है इसको इस तरीके से पकड़ के इसके अंदर तीन डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, यहाँ पर बीच में देखिए इसको इस तरीके से पकड़ के इसके अंदर पहले तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर से इसी जगह तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेकर इसी तरीके से हमें सारी डिज़ाइन कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसको बनाएंगे, बनाने के बाद लास्ट में देखिए हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, तो हमारी ये दूसरी रो डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हम 10 चेन बनाएंगे, यहाँ पर देखिए 10 चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस, दस चेन बना के अब फिर से जो ये वाली आपको डिज़ाइन दिखेगी, चेन दिखेगी जो बीच में हमने एक चेन ली है इसमें डालना है, इसमें इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर, स्लिप स्टिच डालना है यहाँ से 10 चेन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये 10, 10 चेन लेके इस जगह डालेंगे, ये देखिए इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, 10-10 चेन लेते जाना है और इसको ज्वाइन करते जाना है, ठीक है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। यहाँ पर ही आपको एक छोटा सा फंदा दिखेगा जो एक चेन हमने ली है इसमें डाल के हमें स्लिप स्टिच
ज्वाइन करना है, ठीक है, इस तरीके से इस फंदे को इसके अंदर से निकाल देना है। तो इस रो को ऐसे ही बनाएंगे, फिर दिखाते हैं। फिर से हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है, लास्ट में ज्वाइन कर लिया। आप तीन चेन लेके फिर से इस तरीके से पकड़ेंगे, इसके अंदर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया के बाद एक चेन और वापस इसी जगह तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये तीन, ठीक है। फिर से देखिए एक चेन लेकर, एक चेन लेनी है और इस जो चेन बनाई थी इसको इस तरीके से पकड़ के इसके अंदर एक तीन डबल क्रोशिया, एक चेन और तीन डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस डिज़ाइन को हमें ऐसे ही बनाना है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन जाता है। ये देखिए इस तरीके से पहले तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और वापस इसी जगह तीन डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से डिज़ाइन बनाते जाएं और आप कुछ भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन में। अब हम आपको पूरा बनाने के बाद दिखाएंगे। तो ये देखिए पूरा डिज़ाइन हमारा बन गया है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारी डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस डिज़ाइन में पूरी जैकेट देखना चाहते हैं, पूरा स्वेटर बनाना चाहते हैं, कोटी बनाना चाहते हैं, तो मुझे प्यारा सा कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ और हम उस पर वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। और आप इसको किसी भी कलर में बनाएं, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं, पूरे स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन, पोंचो, स्कर्ट, बेबी फ्रॉक, बहुत सारी चीज़ें आगे मिलने वाली हैं वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी प्रेस करें। बाय।